हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरी दादी जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। काफ़ी सारी बीमारियों से वो काफ़ी लंबे टाइम से फाइट कर रही थी। उनकी फिजिकल कंडीशन उतनी बुरी नहीं थी लेकिन उनको एक ही टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हुई। डायबिटिक थी ऑलरेडी, उनका हर्निया के ऑपरेशन हो चुके थे, उनकी कैटरैक्ट सर्जरीज हो चुकी थी, उनका लिवर काफ़ी वीक था और अभी रिसेंटली उनकी किडनी की भी समस्या हो गई थी, किडनी भी उनकी फेल हो गई थी। एंड इतने सारे जब आपके ऑर्गन्स बिगड़ते जाते हैं प्लस आप डायबिटिक हो और लंबे समय से जब आप डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी जीते हैं, आपकी बॉडी के सारे अंग कमज़ोर होते जाते हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर होती जाती है। स्पेशली जब आपका लिवर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं बॉडी को। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकता है, बॉडी अपने आप गिव अप कर देती है। और कुछ ऐसी ही चीज़ दादी के साथ भी हुई। हम लोग दुखी हैं कि वो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन एक संतुष्टि है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी के गई हैं, बच्चे सारे अपने खुश हैं, सेटल्ड हैं, सबको वो बड़ा प्यार करती थी, सबसे वो मिल के गई हैं। 2 हफ्ते पहले से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मुझसे आके मिल लो, मेरा कुछ नहीं पता है, मुझसे आके मिल लो। ये सबको आशीर्वाद दे के गई हैं, बहुत आराम से सुकून से अपने घर पे उन्होंने दम तोड़ा है। कोई उन्होंने हॉस्पिटल जाके इधर उधर पाइप वेंटिलेटर फलाना ढमकाना ये सब चक्करों में वो नहीं पड़ी। मुझे हॉस्पिटल लाइन में करीब 13-14 साल हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे लोगों को ना सिर्फ दम तोड़ते देखा है बल्कि उस मौत के लिए तड़पते देखा है कि बस अब मुझसे नहीं सहन हो रहा, इससे बेटर है कि तुम मुझे मार दो। तो वो कंडीशंस देखने के बाद, पेशेंट्स की वो हालत देखने के बाद मैं यही बोल सकती हूँ कि मुझे संतुष्टि है कि मेरी दादी कुछ भुगत के नहीं गई, आराम से, तसल्ली से और सुकून से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है। कल उनकी तेरहवीं थी, तेरहवीं जिसे बोलते हैं हम लोग, तेरहवीं बोलते हैं जाटों में। कल ही मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, कल मैं वहाँ गई थी अपने घर। मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूँगी, इस वीडियो में आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि मेरे घर में कोई रो रहा है, कोई उदास है, कोई ऐसे है, नहीं। बहुत ही आराम से दादी गई हैं, बहुत तसल्ली के साथ दादी गई हैं, उनको कोई ऐसा मलाल नहीं था उनके दिल में। उन्होंने अपने घर पे अपने बच्चों के सामने अपने बच्चों के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें दी हैं। दुख ज़रूर होता है कि आपके घर में एक बड़ा सदस्य होना एक लग्जरी है, मैं ये मानती हूँ कि आपके घर में कोई बड़ा मुखिया होना, सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। दुख सबको होगा क्योंकि उनका एक साया आप बोल सकते हो कि हम लोगों के सर पे अब नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो ज़िंदा रहती, मशीनों पे ज़िंदा रहती, डायलिसिस, लिवर ट्रांसप्लांट, वेंटिलेटर में, ये सब नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो बाकी सबका मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग हैं जो दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं, बट मैं यही मानती हूँ कि इंसान आराम से संतुष्टि से निकल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी अपने लिए भी मैं कभी सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे हाथ पर चलते फिरते मैं चली जाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। बेड में पड़े रह के मुझे नहीं जीना है, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं बस यही बोलूँगी कि मेरी दादी के लिए आप लोग प्रेयर करना, जब भी आप पूजा करो उनको ज़रूर याद करना। बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, सबके साथ वो घुलती मिलती थी, सबके साथ बहुत खुशी से रहती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि दादी के साथ किसी का बहुत ऐसे झगड़ा वगड़ा कुछ हो रहा है, सबके साथ उनका उठना बोलना चालना सब कुछ था। बस आप प्रेयर में ज़रूर उनको याद रखना, जब भी आप पूजा करो उनको एक बार ज़रूर याद करना और मेरी दादी के लिए प्रेयर करना। हेतु समझ जाती है।
बोलो चीनी चीनी दे दो चीनी तो जी खाना हो गया शुरू, सिंपल सा खाना है, हलवा पूरी लड्डू। कब मिलेंगे, मेरे को डेवलप थोड़ी करा के दूंगी। ये है ना, ये मोस्ट वांटेड है, ये सबसे छोटा है घर में लेकिन ये सबसे बड़ा है क्योंकि हाइट में सबसे बड़ा है। हाँ भाई सही हो, आ रहे मते कौन जा रहा है किशनगढ़? हेलो चाय पी दो।